वेलकम टू मॉम सैमी कुकिंग। आज की रेसिपी है मलाई रोल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें, और रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले मलाई बनाएं। इसके लिए 2 लीटर फुल फैट दूध को बॉईल करें। दूध में उबाल आ जाने पर इसे मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए बॉईल होने दें। बीच बीच में इसे स्टर करते रहें ताकि दूध नीचे सट ना जाए। दूध को सूख कर आधा हो जाने दें। अब इसमें आधा कप चीनी डालकर मिलाएं। चीनी को घोलते हुए दूध को और गाढ़ा करें। पिस्ता, काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इलायची का पाउडर बनाकर रखें। बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स को गाढ़े दूध में डालें। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। मलाई तैयार है, इसे ठंडा होने दें। अब एक तवे पर 100 ग्राम खोआ लें। इसमें 2 चम्मच दूध डालकर इसे स्मूथ कर लें। 1 चम्मच चीनी मिलाकर खोए को गाढ़ा होने तक मिलाते रहें। अब इसे ठंडा होने दें। बड़े साइज का व्हाइट ब्रेड लें। व्हाइट ब्रेड के किनारों को काट कर निकाल लें। खोए के मिक्सचर को 10 भागों में बांट लें। अब इसे रोल बनाकर रखें। ब्रेड को प्रेस करते हुए बेल लें। खोए के रोल को स्टफ करते हुए ब्रेड से रोल तैयार करें। इसके किनारों को दूध या पानी की मदद से सील कर लें। ब्रेड रोल को सर्विंग प्लेट में सजा लें। अब तैयार मलाई को धीरे धीरे ब्रेड रोल के ऊपर डालें। ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसे ठंडा सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमारे रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।